ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लैम्पल जिप कोड. ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द हाफमैन कोड. हाफमैन कोड किस टाइप का कोड था? हाफमैन कोड मैंने बताया था ये एक सोर्स कोड था, है ना. और सोर्स कोड कितने टाइप के कोड होते हैं? बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कोड, है ना. कौन कौन से दो टाइप के कोड होते हैं? वन इज नोन एज सोर्स कोड, अनदर वन इज नोन एज चैनल कोड. बताया था ये सब, क्लियर था. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था. सोर्स कोड की जरूरत कब पड़ती है? ट्रांसमीटर में दोनों टाइप की कोडिंग होती है, सोर्स कोडिंग भी होती है, चैनल कोडिंग भी होती है. सोर्स कोड का यूज किया जाता है नंबर ऑफ बिट्स को कम करने के लिए, ठीक है. और चैनल कोडिंग का यूज किया जाता है उस कम बिट में कुछ और बिट को ऐड करके रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए. ये जो बिट एक्स्ट्रा बिट को चैनल कोडिंग में ऐड की जाती है, दीज बिट्स आर नोन एज पैरिटी बिट्स, है ना. ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, देखा है हम लोगों ने. फिर मैंने आप लोगों को बताया था सोर्स कोड का यूज, सोर्स कोड के लिए हम लोग कुछ कोड्स का यूज करते हैं, जैसे शैनन फैनो कोड होता है, हाफमैन कोड होता है. ये सारी कोडिंग्स होती हैं जिनके थ्रू हम लोग सोर्स कोड जनरेट करते हैं. सोर्स कोड मतलब होता है अगर मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ बिट बिट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 7 बिट है, मैं इन 7 बिट को डिक्रीज करके 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना. मैं 7 बिट को कन्वर्ट करके 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. दैट मीन्स मैं ये कहूंगा कि we are removing the redundancy of the code, redundancy in the code, है ना. हम इस कोड में redundancy को remove कर रहे हैं. तो कभी भी ज्यादा number of bit को कम number of bit में convert करते हैं, that means अब क्या कर रहे हैं? हम लोग source coding कर रहे हैं, है ना. There are some codes that we use for source coding. कौन-कौन से code होते हैं? इनमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हम लोग जो पिछले lecture में हम लोग study किए हैं, एक हमारा होता है Hoffman code, है ना. एक हम लोग पढ़े पिछले lecture में Hoffman code, Hoffman code. और भी हो सकते हैं, शैनन फैनो कोड हो सकता है. ये जनरली हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता. एक होता है हमारा शैनन फैनो कोड, है ना. ये दो टाइप के कोड होते हैं जिनका यूज किया जाता है सोर्स कोडिंग के लिए, दैट मींस नंबर ऑफ बिट्स को कम करने के लिए. कभी भी नंबर ऑफ बिट्स कम हो रहे बेटा, दैट मींस वी आर डूइंग अ सोर्स कोडिंग, क्लियर है. ठीक है, जब मैंने आप लोगों को हाफमैन कोड बताया था, तो हाफमैन कोड के लिए मैंने आप लोगों को कुछ सर्टेन स्टेप्स बताए थे, है ना. कुछ सर्टेन स्टेप्स क्या बताए थे मैंने हाफमैन कोडिंग के लिए? मैंने आप लोगों को बताए थे कि कभी भी अगर मुझे हाफमैन कोडिंग है तो करनी है, तो हाफमैन कोडिंग के लिए वी रिक्वायर्ड अ प्रोबेबिलिटी इन द मैसेजेस, है ना. हमें मैसेज में प्रोबेबिलिटी चाहिए किसी भी मैसेज के ऑकर होने के लिए, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी वी कैन जनरेट द कोड फॉर ईच मैसेजेस, क्लियर है. उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हर मैसेज के लिए अलग अलग कोड जनरेट किया जाता है. ये मैंने बताया था हाफमैन कोडिंग में पिछले लेक्चर में. अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में जाके एक बार हाफमैन कोड अच्छे से चेक कीजिएगा. जाते जाते मैंने हाफमैन कोड में बताया था कि वी कैन यूज हाफमैन कोड फॉर सेवरल टाइप ऑफ कोडिंग. वी कैन जनरेट बाइनरी हाफमैन कोड, वी कैन जनरेट टर्नरी हाफमैन कोड, वी कैन ऑल्सो जनरेट क्वार्टरनरी हाफमैन कोड बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम, है ना. एक ही एल्गोरिथम का यूज करके हम बाइनरी कोड भी जनरेट कर सकते हैं, वी कैन जनरेट टर्नरी कोड ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो जनरेट क्वार्टरनरी कोड. ये किसी भी टाइप कोड हम लोग जनरेट कर सकते हैं. ये हम लोगों ने सारे प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है. तो आज का हमारा लेक्चर है लैम्पल जिप कोड. ये लैम्पल जिप कोड को मुझे लैम्पल जिप कोड के पहले ये सब बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लैम्पल जिप कोड ये सारे कोड से डिफरेंट होता है, है ना. लैम्पल जिप कोड ये हाफमैन कोड से कैसे डिफरेंट होता है मैं वो आप लोगों को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा. देखिए, हाफमैन कोड में हम लोगों ने पढ़ा था जब भी किसी भी मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता होती है तो उस प्रोबेबिलिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है एंड देन वी कैन जनरेट सेवरल कोड फॉर ईच मैसेज, है ना. लेकिन तब क्या होगा अगर मुझे किसी भी मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता? बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, होता क्या है कि अगर मैं किसी भी डेटा को, किसी भी इवेंट को मैं अगर बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तब मुझे पता चलेगा कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है. बात समझ में? लेकिन हमारे पास रियल टाइम में काफी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती. आप किसी अगर इवेंट को पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको तो नहीं पता इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. बात समझ में आई आप लोगों को? तब क्या आप लोग हाफमैन कोड कर सकते हैं? तब हम हाफमैन कोड नहीं कर यूज कर सकते. बात सबको समझ में आई? हाफमैन कोड ऑलवेज यूज व्हेन वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी मैसेज.
क्लियर बात यहां तक सभी को? तो जब हमें किसी भी मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती है, एट दैट टाइम वी यूज अ न्यू टाइप ऑफ कोडिंग, एट दैट टाइम वी यूज अ न्यू टाइप ऑफ कोडिंग नोन एज लैम्पल्ज़ीव कोड, नोन एज लैम्पल्ज़ीव कोड, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। लैम्पल्ज़ीव कोड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कोडिंग स्कीम और फिक्स्ड कोडिंग एल्गोरिथम, ठीक है। लैम्पल्ज़ीव कोड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कोडिंग एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ फिक्स्ड कोडिंग एल्गोरिथम? जैसे आप लोगों ने जब हाफमैन कोड पढ़ा था, तो हाफमैन कोड में क्या था, जब हम लोग किसी भी सर्टेन मैसेज के लिए जब हम लोग कोड जनरेट करते थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी किसी में एक बिट होती थी, किसी में दो बिट होती थी, किसी में तीन बिट होती थी, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते थे कोड में, है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ बिट अलग है, इसमें नंबर ऑफ बिट अलग है, इसमें नंबर ऑफ बिट अलग है। तो कभी भी अगर किसी भी मैसेज में, अगर किसी भी मैसेज की सीरीज में हर एक मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स का यूज करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लेंथ कोडिंग, है ना। तो हाफमैन कोडिंग कैसी है मेरी? हाफमैन कोडिंग है वेरिएबल लेंथ कोडिंग। व्हाई इट इज वेरिएबल लेंथ कोडिंग? बिकॉज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच मैसेज वी आर यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल लेंथ कोडिंग। बट लैम्पल्ज़ीव कोड हमारा फिक्स्ड कोडिंग स्कीम है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ फिक्स्ड कोडिंग स्कीम? जब मैं लैम्पल्ज़ीव कोड का यूज करके तीन मैसेज को कोड करूंगा, जब मैं लैम्पल्ज़ीव कोड का यूज करके तीन मैसेज को कोड करूंगा, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नंबर ऑफ बिट 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ बिट 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ बिट 2 है, आप लोग यहां पे देखेंगे, है ना। तो क्योंकि यहां पे तीनों में नंबर ऑफ बिट सेम है, क्योंकि यहां पे तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ बिट सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड लेंथ कोडिंग। क्लियर बात यहां तक सबको समझ में, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी कुछ थ्योरी होती है बेटा, इसकी आप लोग अगर थ्योरी नोट करना चाहते हैं तो इसकी कुछ थ्योरी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, आपको जल्दी से नोट कर लीजिएगा उसको, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं भी बता रहा हूँ। इसके लिए अगर आपको कुछ थ्योरी लिखना है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, हाफमैन कोड इज ओनली, इसके लिए अगर आप लोगों को कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिखना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, हाफमैन कोड इज ओनली एप्लीकेबल, हाफमैन कोड इज ओनली एप्लीकेबल when any event is observed from long time interval, but in real time application it is not always possible. So at that time we can use a different type of coding known as Lampelzio coding. Okay, Lampelzio coding is also known as fixed length coding. ठीक है, आप लोग इसमें अगर कुछ theory points note करना चाहते हैं तो ये आप लोग note कर लीजिएगा, this one is also known as fixed length coding. Now एक step note कीजिएगा, there are several steps that we follow to generate Lampelzio code, है ना। मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, मैं स्टेप्स एक बार रीड कर रहा हूँ जल्दी से, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अभी क्योंकि जब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को जो जितने भी स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखे सभी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप नंबर वन इसमें होता है any given string is first converted into non-repetitive phrases. Any given string is first converted into non-repetitive phrases. है ना, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है? On the basis of number of quantity of phrases, we can allocate how many bits are required to represent that message. ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके नोट कर लीजिएगा। तीसरा स्टेप होता है हमारा now we add some prefix
Now we add some prefix with the transmitter location. स्टेप नंबर फोर आप लोग नोट कर सकते हैं. ट्रांसमीटर लोकेशन आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फेसेस, है ना, ये हमारा चौथा वाला है. फिफ्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, दिस द डेटा दैट इज एनकोडेड फ्रॉम द previous step is transmitted towards the receiver, है ना, ये हमारा step number 5 है. step number 6 में आप note कीजिएगा, step number 6 में note कीजिएगा, separate prefix with the code word and get the desired data. ठीक है, अब जितने भी मैंने आप लोगों को अभी स्टेप्स बताए बेटा, जो भी हम लोगों ने अभी स्टेप्स किए हैं ना, स्टेप्स आप लोगों को समझ में आएंगे जब हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना. तो एक हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ चलेंगे. एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि मैं इतने सारे स्टेप्स में जो कहा हूं ये सब है क्या, मैंने कहा क्या इतने सारे स्टेप्स में. सबसे पहले मैं ये वाला एक न्यूमेरिकल बना लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपरली उसको समझाते जाऊंगा कि कहां पे कैसा कैसे होगा. ठीक है, ओके. Thank you.
चलिए अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, काफी लंबा टेबल हुआ लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमें जब एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो हमें दोनों साइड सॉल्व करना होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमें दो टेबल्स बनाने हैं, जब भी हमें लैम्पल्स इन कोड को सॉल्व करना है हमें दो टेबल्स बनाने हैं। फर्स्ट टेबल इज फॉर ट्रांसमीटर साइड एंड द सेकेंड टेबल इज फॉर रिसीवर साइड। फर्स्ट टेबल इज फॉर ट्रांसमीटर साइड एंड सेकेंड टेबल इज फॉर रिसीवर साइड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ प्रेसेस। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? कह रहा हूँ प्रेसेस, है ना। अब इसमें क्वेश्चन होता कैसा है ना, इसमें क्वेश्चन होता क्या? लैंपल्स रिपोर्ट में, लैंपल्स रिपोर्ट में हमें एक कोड की स्ट्रिंग दी जाती है, हमें एक मैसेज की स्ट्रिंग दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिंग लेके बताया, यहाँ पे कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे 14 बिट का एक मैसेज का स्ट्रिंग है। क्लियर है? यहाँ पे 14 बिट का मैसेज है। ये मैसेज की स्ट्रिंग आपको एग्जाम में 45-60 बिट तक दी जा सकती है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग लेके बताया हूँ, छोटी स्ट्रिंग लेके बताया। ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होगी। क्लियर है? ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होगी, इसको सॉल्व करने में आपको एग्जाम में टाइम भी लगेगा। क्लियर? यहां तक ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस कोड में हमें गिवन क्या होता है? हमें इस कोड में स्ट्रिंग गिवन होती है मैसेज की। हमें पहला स्टेप क्या करना रहता है? इस मैसेज की स्ट्रिंग को हमें फ्रेसेस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आप लोग देखिए, तो मैंने हर कुछ बिट्स के बीच में कॉमा लगाया है। कॉमा लगा के मैंने क्या किया? बिट्स को आपस में सेपरेट किया। मैंने कॉमा जहां पर लगाया, कॉमा लगा के मैंने क्या किया? बिट्स को आपस में सेपरेट किया। अब मैंने ये सेपरेट किस बेसिस पे किया? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मैंने सेपरेट किया, ये सेपरेट मैंने किस बेसिस पे किया, है ना? अब ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो phrases is nothing but a non-repetitive part of each string। मैं फिर से repeat कर रहा हूँ। phrases is nothing but a non-repetitive part of each string, है ना? इसका मतलब ये होता है कि हम अपने string में ना जो भी bits हम use कर रहे हैं, जितने भी number of bits की हमारी string है, इसमें क्या करते हैं कि जो जो bit हमारी repeat नहीं हो रही है ना, उसको हम लोग अलग अलग separate करते जाते हैं। जैसे वन को सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग बिट होगी उसको हमने पहले तो कभी यूज नहीं किया, तो पहला फ्रेसेस हमेशा वही होगा जो हमारी बिट होगी, है ना? पहला फ्रेस क्या होगा? जो हमारी बिट होगी वही हमारा पहला फ्रेसेस होगा। ठीक है, अब इसके बाद जीरो, इसमें जीरो बिट है, जीरो को भी मैंने अभी तक फ्रेसेस नहीं बनाया है, तो जीरो भी मेरा अगला वाला फ्रेसेस बन जाएगा। ये जीरो मेरा अगला वाला फ्रेसेस बन गया। ठीक है, अगला कौन सी बिट आती है? अगली बिट आती है वन, लेकिन वन को मैंने पहले ही नोट कर, वन को मैंने पहले ही फ्रेसेस में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसलिए अब फिर से अगेन वन को मैं फ्रेसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मुझे वन के साथ उसकी नेबर बिट को ऐड करना पड़ेगा। तो वन के साथ जब मैंने उसकी नेबर बिट को ऐड किया, तो अब मुझे वन मिला वन वन, और ये वन वन को इससे पहले मैंने यूज नहीं किया था, है ना? ये रिपीट नहीं हुआ है ना, तो वन वन को क्योंकि मैंने इससे पहले यूज नहीं किया था, तो अब मैं कहूंगा कि जो नया फ्रेसेस है वो हमारा वन वन है। क्लियर बात? इसके बाद वाले बिट को देखता हूँ, जीरो, जीरो मैंने ऑलरेडी यूज किया था, जीरो वन, जीरो मैंने वन मैंने यूज नहीं किया, तो जीरो वन मेरे क्या हो जाएगा? जीरो वन मेरा अगला प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद वाली बिट है वन, वन मैंने ऑलरेडी यूज किया है, तो वन जीरो, वन जीरो मैंने अभी तक कहीं कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया, सो द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी वन जीरो। बात समझ में? उसके बाद देखिए वन, वन मैंने यूज किया है, वन वन, वन वन भी मैंने फ्रेसेस बना चुका है, तो क्या होगा? वन वन जीरो, तो वन वन जीरो मैंने अगला फ्रेसेस बनाया। क्लियर बात यहां तक सभी को? सेम वैसे ही लास्ट में वन का हमने यूज किया, वन वन का भी हमने यूज किया, सो द नेक्स्ट और द लास्ट फ्रेसेस विल बी ट्रिपल वन, तो मैंने यहाँ लास्ट फ्रेसेस हमने ट्रिपल वन बनाया। सो दीज आर द फ्रेसेस। So, first step to convert any message string into Lampel's code is to form the phrases, है ना? हम सबसे पहले हमें number of phrases find out करना पड़ता है, सबसे पहले हमें phrases को form करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने पहले step को solve किया, मैंने अपने phrases को तैयार कर लिया। बात समझ में आया? ठीक है, अब जो भी phrases होते हैं ना बेटा, जैसे हम लोग की अलमारी अलमीरा होती है ना, अलमीरा में क्या होता है, हम लोग कुछ अपने कंटेंट रखते हैं। ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड में कुछ लोकेशंस होते हैं, कुछ एड्रेस लोकेशंस होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे फ्रेसेस होते हैं, जो भी हमारे फ्रेसेस होते हैं, जैसे इतने सारे फ्रेसेस हैं, तो ये सारे फ्रेसेस को हम लोग ट्रांसमीटर साइड में भी कुछ लोकेशन पे स्टोर करके रखेंगे, सेम एज हम लोग रिसीवर साइड भी सेम लोकेशन पे ये डेटा को स्टोर करके रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज हमारे पास
हमारे पास दो अलमीरा है, एक ट्रांसमीटर साइड एक रिसीवर साइड। हमने बता दिया ट्रांसमीटर को कि पहले सबसे ऊपर वाला जो हमारी अलमीरा का पार्ट है उसमें आपको बुक्स रखना है, सेकंड वाले में आपको क्लॉथ्स रखना है, थर्ड वाले पार्ट में आपको अदर एसेसरीज रखना है। रिसीवर को भी मैंने बोला भैया कि ऐसे ही करना है, पहले वाले में बुक्स बोला हूँ, ट्रांसमीटर को आपको भी पहले वाले में बुक्स रखना है, सेकंड वाले में आपको क्लॉथ्स रखना है, थर्ड वाले में आपको अदर एसेसरीज रखना है। बात समझ में? तो ट्रांसमीटर और रिसीवर की हर लोकेशन पे, हर एक लोकेशन पे उनको पहले से सिचुएटेड है कि क्या डेटा स्टोर्ड है। बात समझ में? तो हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हम डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे अलमीरा की लोकेशन। बात समझ में? जैसे मुझे अगर क्लॉथ सेंड करना है तो मैं हर क्लॉथ को नहीं सेंड करूंगा, मैं सिर्फ ट्रांसमीटर से सेंड करूंगा अलमीरा का पार्ट नंबर 2। That means, जब रिसीवर के पास जाएगा डेटा तो रिसीवर सीधे अलमीरा के पार्ट नंबर 2 में जो रहेगा, रिसीवर समझ जाएगा कि ट्रांसमीटर यही सेंड करने वाला था। आई थिंक ये रियल टाइम एग्जाम्पल से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इजीली, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा सभी। तो वैसे ही कुछ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारा फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स के लिए मैंने एक ट्रांसमीटर साइड में एक टेबल बनाया, सेम एज वन टेबल इज फॉर्म फॉर द रिसीवर साइड। First we form a table for the transmitter side, same as the second we form a table in the receiver side. I think ये clear है आप लोगों को। अब मैंने क्या किया, जो मैंने phrases है, phrases को मैंने line से लिख लिया, phrases को मैंने mention कर दिया। Now ये जो second column में बेटा ये लिखा हुआ transmitter LOC लिखा है ना, जो मैंने transmitter location in transmitter location आप कर सकते हैं, इन डेसिमल की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ट्रांसमीटर लोकेशन, दिस वन इज द ट्रांसमीटर लोकेशन। अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या किया, जो वन वाला डेटा है इसको मैंने अपने ट्रांसमीटर की इस लोकेशन पे स्टोर किया, जो जीरो डेटा है इसको मैंने अपने ट्रांसमीटर की इस लोकेशन पे स्टोर किया, इस डेटा को इस लोकेशन पे, इस डेटा को इस लोकेशन पे। बात समझ में? अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमीटर की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन का यूज करना है कि 4 बिट के कॉम्बिनेशन का यूज करना है कि 5 बिट के कॉम्बिनेशन का यूज करना है। आप लोगों के मन में डाउट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसमीटर की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 बिट में भी काम कर सकता था, 3 बिट में भी कर सकता था, 4 बिट में भी कर सकता था, 5 बिट में भी कर सकता था, क्यों मैंने 3 ही लिए। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ फ्रेशर, जैसे मैंने यहाँ किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब मैंने यहाँ पे काउंट किया, नंबर ऑफ फ्रेशर्स आर 7, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट एज 3, है ना। अगर मुझे इस फ्रेशर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, नंबर ऑफ फ्रेशर्स को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो मुझे 7 डिफरेंट लोकेशंस चाहिए होंगी, और हम जानते हैं कि 7 को जब मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होता है तो मुझे 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में? अगर यहीं पे यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेशर्स अगर मेरे 10 हो जाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेशर्स मेरे 10 हो जाते हैं, तो हम जानते हैं कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है। We need four bits of combination to represent 10, है ना? अगर मुझे 10 को represent करना है, तो मुझे 4 bit के combinations का use करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि transmitter के अंदर हर एक location को represent करने के लिए मुझे 4 bit की जरूरत पड़ेगी। बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे देखा कि टोटल हमारे पास 7 phrases है, और 7 phrases को अगर नंबर ऑफ बिट अगर मैं 3 रख देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ट्रांसमीटर के हर एक लोकेशन को 3-3 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया। और हमेशा याद रखेंगे, जो ट्रांसमीटर की लोकेशन स्टार्ट होगी वो 001 से स्टार्ट होगी, 000 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि 000 पे हमारा एक डेटा स्टोर होता है जिसको मैं डेथ सेंस रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। तो हमेशा जो भी मैसेज स्टोरिंग स्टार्ट होगा वो हमेशा 001 से स्टार्ट होगा, 000 में कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि 000 में ऑलरेडी एक डेथ साइन हमेशा स्टोर्ड होता है। इसको चाहे मैं लिखूं चाहे मैं ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, हमेशा स्टार्ट करना है 001 से। तो मैंने ट्रांसमीटर को लोकेशन प्रोवाइड कर दी, क्लियर है तक। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉलम इज प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स मतलब क्या है, प्रीफिक्स मतलब ये है कि जो भी मेरे फ्रेशर्स हैं उसमें मैंने मुझे देखना है कि प्रीफिक्स क्या है। जैसे 1 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 के सामने कुछ लिखा है क्या, कोई बिट है क्या, हमारे सबसे LSB के सामने कोई बिट है क्या। अगर हमारे LSB के सामने कोई भी बिट नहीं है, दैट मींस प्रीफिक्स शुड बी डैश, है ना, प्रीफिक्स शुड बी डैश। तो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे डैश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 0 के सामने भी कोई बिट नहीं है, तो 0 की प्रीफिक्स भी हमारी कोई डैश, क्लियर। अब यहाँ पे देखूंगा ये जो LSB है ये 1 है, 1 के सामने क्या है, 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स 1 लिखा। अब यहाँ पे देखा मैंने इसके सामने क्या है, इसके सामने 0 है, so its prefix will be 0। इसके सामने क्या है, 1 है, तो मैंने 1 लिखा। इसके सामने क्या है, 1-1, तो मैंने 1-1 लिखा। इस लास्ट बिट के सामने क्या है, 1-1, तो मैंने इसके सामने प्रीफिक्स की वैल्यू 1-1 लिखा। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोग, क्लियर बात याद है। अब क्या करना है,
अब मुझे इन प्रीफिक्स की लोकेशन, अब मुझे इन प्रीफिक्स को देखना है कि ये हमारे ट्रांसमीटर में किस लोकेशन पे आ सकते हैं, है ना। तो प्रीफिक्स लोकेशन इन ट्रांसमीटर, मैं जानता हूं आपने, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी कोई डेस्क लिखा हुआ है तो डेस्क हमेशा 000 लोकेशन पे स्टोर होता है, तो डेस्क की लोकेशन है 000, डेस्क की लोकेशन है 000। अगर 1 को देख रहा हूं, 1 किस लोकेशन पे स्टोर है, 001, तो 1 की लोकेशन पे मैंने 001 लिखा। 0 किस लोकेशन पे स्टोर है, 010, तो 0 के लिए 010 लिखा। 1 किस लोकेशन पे स्टोर था, 001, तो 001 लिखा। 11 किस लोकेशन पे स्टोर है, 011 stored 011, तो मैंने prefix location in transmitter लिख दिया। Last हो जाए, last the column is encoded data or the transmitted data, है ना, जो data हम लोगों को transmitted करना है, transmit करना है, आप लोग encoded ही लिखिए, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। This one is the encoded data। अब क्या किया, जो भी मेरी ये जो 3 बिट्स है एज इट इज, मैंने सबसे पहले सभी को लिख लिया, ये जो 3 बिट्स है एज इट इज मैंने सभी को सामने लिख लिया, ये जो 3 बिट्स है एज इट इज मैंने सभी को सामने लिख लिया। अब जो सबकी एलएसबी है, है ना, सबकी एलएसबी क्या है, इसकी एलएसबी, जो हमारे प्रोसेस है उसकी एलएसबी हमारी, इसकी एलएसबी हमारे एनकोडेड डेटा की एलएसबी है। तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि एलएसबी बिट और इस वन, सो हम यहां पे एलएसबी बिट को कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, हियर द एलएसबी बिट इज 0, सो वी हैव द 0 विद द एनकोड विद द प्रीफिक्स लोकेशन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमीटर, सेम एज 001, इसके सामने हमारी एलएसबी बिट है 1, तो हम यहां पे 1 को नोट किए, 010 में हम लोग यहां पे 1 को नोट किए, 001 001, इसमें भी हम लोग सामने देख सकते हैं जो हमारी एलएसबी है 0 नोट कर दिया, 001 011 011 के सामने हमारी एलएसबी 0, तो 0 नोट किया, 011 के सामने एलएसबी 1 है, तो मैंने यहां पे 1 नोट किया। नाउ दिस डेटा इज द डेटा दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, नाउ दिस डेटा इज द डेटा दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द रिसीवर, ओके। ये जो हमारा डेटा, इस डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, ये हमारा डेटा नहीं, एक्चुअली दीज आर द, एक्चुअली दिस वन इज द ट्रांसमिटर लोकेशन, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम अलमीरा के कंटेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अलमीरा में हम पार्ट की लोकेशन को ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं ट्रांसमिटर से रिसीवर के साइड, कि सेकंड हमें सेकंड वाले पार्ट में जो हमारा डेटा है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, थर्ड वाले पार्ट में जो डेटा है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फोर्थ वाले पार्ट में जो डेटा रखा हुआ है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, है ना। तो instead of transmitting the message, we are transmitting the location of Almira, clear है यहाँ तक। अब जब ये हमारा पूरा transmitter side का table बन गया, अब transmitter side के table के बाद हम लोगों को बाजू में बनाना है receiver side का data, अभी data को हमें receive भी तो करना है, है ना। तो ये जो हमारा encoded data है as it is, ये transmit हो जाएगा receiver में, तो receiver का जो पहला column है that is the last column of the transmitter, फर्स्ट कॉलम ऑफ रिसीवर विल बी द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रांसमीटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो लास्ट कॉलम है वो इसका पहला कॉलम है, सेट इज क्लियर है। तो इसकी जो लास्ट बिट है, इसकी जो लास्ट बिट है आप लोग देखेंगे कि सबकी जो एलएसबी बिट है उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, सबकी जो एलएसबी बिट है उसको मैंने लास्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 को मैंने रिप्रेजेंट का एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया, सेपरेट किया, 0 को मैंने सेपरेट कर दिया, 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, 0 को मैंने सेपरेट कर दिया, 0 को मैंने सेपरेट कर दिया, 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, बात समझ आई, इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। अब जो रिमेनिंग हमारी स्टार्टिंग के 3 बिट्स है उसको मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे, आप इसको ट्रांसमीटर लोकेशन भी कह सकते हो, या एड्रेस लोकेशन भी कह सकते हो, अब आप लोगों को देखना कि इस एड्रेस में क्या डेटा स्टोर था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 000 पे कोई डेटा स्टोर नहीं है, 000 पे हमारा डेस्क स्टोर है, तो हम यहाँ पे डेस्क लगा दिए, 000 पे डेस्क लगा दिए। वैसे 001 पे क्या स्टोर था, आपको मैंने बताया था 001 पे 1 स्टोर था, तो 001 पे हम 1 स्टोर करेंगे। अब मैं ट्रांसमीटर साइड में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था ट्रांसमीटर साइड के एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है, रिसीवर साइड में भी एड्रेस लोकेशन वो ही डेटा स्टोर है, तो हम सिर्फ लोकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिसीवर हम लोकेशन देख रहे हैं, लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर है उसको वो हटा रहा है, सेपरेट कर रहा है, बात सबको समझ गई। जैसे यहाँ पे 010 देखा, 010 एड्रेस में क्या डेटा स्टोर है, 0, तो उसने यहाँ पे 0 एक्सट्रैक्ट कर लिया, बात सबको समझ में। तो ये मेरे सारे डेटा आ गए, तो अब हमने लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, ए और बी, जो हमारा ए कॉलम है और जो बी कॉलम है उसको मैंने मर्ज करके उनको मैंने साथ में लिखा, तो फर्स्ट बिट एज ए एंड द सेकंड और द लास्ट बिट विल बी द बी। तो जब मैंने दोनों को कंबाइन किया, डैश 1 डैश 0 11 आप लोग यहां देख सकते हैं, 01 देख सकते हैं, 10 110 देख सकते हैं,
111 आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अब अगर आप लोग चेक करना चाहेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वही डेटा है, ये वही डेटा है जो यहां से ट्रांसफर किया गया था। अब आप लोग चेक करना चाहें तो सबसे लास्ट वाले कॉलम का जो डेटा है और जो सबसे फर्स्ट वाले कॉलम का जो डेटा है आप उसको मैच करके देखेंगे, लास्ट वाले कॉलम में वही डेटा है जो फर्स्ट वाले कॉलम में है। दैट मींस अब रिसीवर ने वो डेटा रिसीव कर लिया है जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया था। क्लियर बात है, सभी को ये चीज ध्यान रखना है। अब रिसीवर ने उस डेटा को रिसीव कर लिया है जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया था, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज से मिले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन, जितने भी लैंपल से कोई क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को अगर एग्जाम में लैंपल से कोई क्वेश्चन आते हैं तो लैंपल से कोई क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल सिंपल बोला जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड वर्ड्स, सो कन्वर्ट द फॉलोइंग मैसेज स्ट्रिंग इनटू लैंपल से कोड वर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैसेज स्ट्रिंग इनटू लैंपल से कोड वर्ड। तो एट दैट टाइम आप लोगों को ट्रांसमीटर का अलग एक टेबल बनाना होगा, रिसीवर पे एक अलग आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। बात समझ में, ट्रांसमीटर का अलग टेबल बनाना पड़ेगा, रिसीवर का अलग टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों से लैंपल्स रिपोर्ट पूछ रहा है कि लैंपल्स रिपोर्ट कहाँ पे है भाई, तो लैंपल्स रिपोर्ट ही है जो हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो हमारा लैंपल्स रिपोर्ट है। जिस डेटा को हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस डेटा को हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट डेटा इज द लैंपल्स रिपोर्ट। सर ट्रांसमीटर लोकेशन वाला कॉलम एक बार और बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं हम लोग को ट्रांसमीटर लोकेशन वाला, है ना। देखो बेटा, सबसे पहले नॉन रिपीटिव जो भी हमारे डेटा है उनको हम लोग फ्रेसेस बोल दिए, ऊपर लिख लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी इन फ्रेसेस मैंने ट्रांसमीटर में बिट एलोकेट कर दी और यहाँ पे ट्रांसमीटर को लोकेशन प्रोवाइड कर दी। जैसे अगर यहाँ पे मेरे है ना, अगर यहाँ पे मेरे पास 12 डिफरेंट फ्रेसेस आ जाते हैं तो मुझे पता है कि 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 4 नंबर ऑफ बिट्स, है ना, हमें 4 बिट चाहिए। तो उस समय क्या करता हूँ, हर एक लोकेशन को मैं 4 बिट से रिप्रेजेंट करता हूँ और हमेशा स्टार्ट करना है बेटा 0001 से, 0000 में कोई कुछ भी स्टोर नहीं करना, क्योंकि इस लोकेशन को हमेशा वेकेंट छोड़ा जाता है डेस्क डेटा स्टोर करने के लिए। क्लियर बात। तो अब इसके बाद लाइन से 0010 0011 1001 1001 1011 1011 ऐसा हम लोग एक सबको एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। इसको अगर आप लोग बाइनरी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 है 2 3 4 5 6 7, है ना। दैट मींस मेरे अलमीरा में क्या है बेटा, मेरे अलमीरा में यहाँ पे 7 पार्टीशन है, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। और जो स्टार्टिंग वाला है ये हमेशा वेकेंट रखें, जो भी हमारे पास प्रेसेस आएंगे हमको इनको इनमें स्टोर करना है। अब जो हमारी ये जो अलमीरा की ये जो लोकेशन है ना, इनको हम बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है, बिट्स के फॉर्म में स्टोर कर दिए। और अब प्रीफिक्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके सामने क्या प्रीफिक्स है, ये सब प्रीफिक्स लिखा है। जीरो के सामने क्या प्रीफिक्स है, वन के सामने क्या प्रीफिक्स है, वन के सामने क्या प्रीफिक्स है, जीरो के सामने क्या प्रीफिक्स है, जीरो के सामने क्या प्रीफिक्स है, वन के सामने क्या प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ है बेटा LSB को देखना, LSB के सामने जो रहेगा उसको प्रीफिक्स कहते हैं, LSB के सामने जो रहेगा उसको प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे प्रीफिक्स लिखा। अब ये हम लोग देखेंगे कि अभी ये जो प्रीफिक्स में जो डेटा है क्या हमारी एड्रेस लोकेशन में कहीं पे है, तो इसके बेसिस पे हम लोग एड्रेस लोकेशन को चेक करेंगे कि 1 कहाँ पे है, 1001 है तो 1001 में लिखे, उसी के बेसिस पे सारे हम लोगों ने ये टेबल बनाने है। और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो 3 बिट है वो तो एज इट इज 3 बिट है, लेकिन जो इसकी लास्ट बिट है ना वो यहाँ पे LSB बिट है, ये जो सबकी LSB बिट है ना, दैट इज ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग जो सबके लास्ट 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 में देख रहे हैं, ये जो हमारी लास्ट बिट है वो सबके लास्ट बिट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और यही हमारा जो लास्ट वाले कॉलम है ना बेटा, यही हमारा लैंपल्स कोड कहलाता है। आप लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, हर एक कोडवर्ड की लेंथ सेम है, हर एक कोडवर्ड की लेंथ सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड लेंथ कोड। लैंपल्स कोड इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड लेंथ कोड। क्लियर, यहां तक ध्यान रखिएगा, लैंपल्स कोड इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड लेंथ कोड एंड दिस लैंपल्स कोड इज टू बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द रिसीवर साइड। नाउ द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द एड्रेस लोकेशन विद द LSB बिट एंड फॉर्म अ न्यू कोड दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटर साइड। लास्ट में जो हमें कॉलम मिलता है इसमें वही डेटा है जो ट्रांसमिटर साइड से ट्रांसफर किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए आई थिंक इतनी देर में आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं भी किए होंगे बेटा तो अपने मन से ना
वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बाद में आराम से नोट कर लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, कुछ भी अपने मन से बना लिया, मैं अपने मन से बना लिया है ना। जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन फिर जीरो, वन तो हो चुका है, जीरो भी हो चुका है, तो वन जीरो, वन हो चुका है, वन वन नहीं हुआ है, जीरो हो चुका है, जीरो वन नहीं हुआ है, वन जीरो हो चुका है, वन जीरो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर। यहाँ पे सिक्स डिफरेंट फ्रेसेस है, तो सिक्स डिफरेंट फ्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी हमें तीन लोकेशन यूज करना, तीन बिट्स का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, क्लियर मैम। तो अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आई थिंक ये सभी लोग बना रहे होंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेसेस में जो हमारा डेटा है उसको चेंज कर देंगे फास्ट। वन जीरो, वन जीरो, वन वन, जीरो वन और वन जीरो वन, ऐसा हमने चेंज कर दिया है ना। लोकेशन जल्दी से प्रोवाइड कर देना है, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, एंड द लास्ट वन इज वन वन जीरो। अगर आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के प्रेजेंटेशन है ना। ओके अब अगला हमें क्या करना है, अगला हमारा प्रीफिक्स है, इसके सामने कुछ है क्या, इसके सामने कुछ है क्या, नहीं है तो सीधे सीधे डैश लगाना। इसके सामने कुछ है क्या, हाँ है वन है। इसके सामने क्या है, हाँ वन है। इसके सामने क्या है, जीरो है। इसके सामने क्या है, वन जीरो है, सीधे सीधे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसके सामने अब मैं लोकेशन में पुट करता हूँ, इस लोकेशन पे क्या है, डेस्क किस लोकेशन पे, जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, और जीरो किस लोकेशन पे, जीरो वन जीरो, एंड वन जीरो किस लोकेशन पे, जीरो डबल वन जीरो डबल वन, क्लियर बात। अब मुझे लास्ट वाले कॉलम को जल्दी से बना लेता हूँ। लास्ट वाले कॉलम क्या हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम में हमारा हो जाएगा जीरो जीरो जीरो। सबसे पहले तीन बिट एज इट इज लिख देता हूँ मैं, है ना, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो और जीरो वन वन। सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग तीन बिट एज इट इज लिख दिया। अब सब क्या है, बिट यहाँ से उठा लूंगा, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन, वन वन वन। अब ये हम दिस वन इज द नंबर इनको, है ना। नाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमिटर, जब ट्रांसमिटर से ट्रांसफर किया जाएगा तो डेफिनेटली रिसीवर में यही रिसीव हो रहा है, जीरो 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 वन जीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन वन, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लास्ट बिट को हटा दिया हूँ, सबके लास्ट बिट को एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, जीरो वन वन वन। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सबके पहले बिट स्टार्टिंग के तीन बिट को अलग से रख देंगे, जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या किया है, इस लोकेशन पे क्या स्टोर है, इस लोकेशन में कुछ भी नहीं, इस लोकेशन कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो वन में क्या है, वन है, जीरो जीरो वन में क्या है, वन है, जीरो वन जीरो पे क्या है, जीरो है, और जीरो वन वन में क्या है, जीरो वन वन में है वन जीरो, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले कॉलम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस टेबल और इस टेबल आपस में सम अप करके लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वन जीरो, पहले डैश वन मतलब वन, डैश जीरो मतलब जीरो, वन जीरो, देन वन वन, देन जीरो वन, एंड द लास्ट वन इज वन जीरो वन, वन जीरो वन। अब आप चेक कर सकते हैं जो लास्ट कॉलम होगा जो फर्स्ट कॉलम होगा दोनों सेम है, लास्ट कॉलम एंड द फर्स्ट कॉलम इज सेम है ना, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम है, क्लियर है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट लैम्पल्स रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत ही लंबी स्ट्रिंग दी जा सकती है आप लोगों को और बोला जा सकता है फाइंड आउट लैम्पल्स रिकॉर्ड, और यू कैन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द फिक्स लेंथ कोड फॉर द गिवन मैसेज स्ट्रिंग, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं, है ना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को देखिएगा बार 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 बार, अपने मन से कुछ क्वेश्चंस लीजिएगा, सब बनाइएगा, डेफिनेटली आप लोगों से बनने लगेगा, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, आप लोग चैट, ओके थैंक यू सो मच, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिएगा और साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा, थैंक यू।